दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजयस इंजीनियर चैलेंज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्री टेंशन गर्डर का BBS कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ऑटो कैड ऑन कर लीजिए, जैसे कि मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपना ड्राइंग ऑन कर लीजिए, जो भी ड्राइंग है। ये देखिए, जैसे ये हमारा ड्राइंग है, 30 मीटर का हमारा स्पेन है। सबसे पहले तो आप अपना ड्राइंग ही पढ़ना सीख लीजिए कि ड्राइंग में दिया क्या है। ठीक है, ये देखिए हमारा 30 मीटर का स्पेन है, 65 mm का हमारा बेरिंग क्लोज है और ये 2200 mm का हमारा गर्डर है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए आप लोग कि कोई भी डायमेंशन दिया रहेगा तो वो mm में दिया रहेगा। ठीक है, अब ये इसमें देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें जो ड्राइंग में नोट्स दिया होता है तो उसको आप क्लियरली पहले नोट्स ही पढ़िए कि उसमें दिया क्या रखा है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है ड्राइंग का, गर्डर का। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा दूसरा गर्डर है, उसका दूसरा पेज है। ठीक है, जिसमें स्टार्ट का दिया हुआ है और कहाँ पे हमारा डायमेंशन कितना दिया हुआ है वो इसमें मेंशन है। और लास्ट में हमारा ये दिया है कि ये रेनफोर्समेंट हमारा डिटेल है कि जैसे ये हमारा कहाँ पे कितना स्टील कितना डाया का कहाँ पे गया है, जो इसमें रेनफोर्समेंट का बार मेंशन हुआ है। ठीक है, ये सारे B10 B9 ये सब सारे स्टील के वो बार मेंशन है। ठीक है, मार्क है। तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले अपना ऑटो कैड ऑन, सबसे पहले आप इसका मेन ड्राइंग ऑन कीजिए। जैसे मेन ड्राइंग मैंने ऑन कर लिया, अब ये देख लीजिए कि आपका गर्डर है किस शेप में। ठीक है, तो आप गर्डर ये देख ही रहे हैं, आपका प्लेन है, आई गर्डर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आई गर्डर है, तो आप सिंपली ये देख ले, नीचे आएंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि कैसे इसका कौन से शेप में आपका गर्डर है। ठीक है, ये जैसे इसमें देख लीजिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसका सेकंड ड्राइंग खोलेंगे तो आपको इसका शेप भी पूरा दिख जाएगा। तो ये आप अपना इसमें जैसे ऑन कर लीजिए, जूम करिए इसको, तो ओपन कीजिए। ये देखिए हमारा आई सेक्शन CC जो दे रखा है, ये हमारा गर्डर का फ्रंट शेप है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये 625, 120, 80, 193 वेट, ये इसका थिकनेस 240, हाइट ये। ठीक है, तो सारा डायमेंशन इसमें दे रखा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप अपना ऑटो कैड ऑन कर लीजिए। ऑटो कैड ऑन करने के बाद सिंपली आप उसको जे एडसी इसमें बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा कि जैसे आप इसको एडजस्ट बना लेते हैं तो इसका ऑफसेट, ये देखिए जैसे मैंने 50 mm का ऑफसेट ले रखा है, तो हमें आ रहा, देखिए कोई भी स्टील रहता है तो कवर के अंदर ही रहता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें हमारे 40 mm का कवर ले रखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए हर एक बार का मैंने पहले से ही ये सारा बना के रखा है डायमेंशन, तो आप इजीली कभी भी ये जो इसमें मेंशन है इसको डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे सिंपली आप बना लीजिए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इसका BVS एक्सेल में बनाएंगे। तो आप अपना एक्सेल ऑन कर लीजिए, जैसे मेरा ये एक्सेल देखिए ऑन हो गया है। और ये हमारा क्या है कि हमारा 6 lane का प्रोजेक्ट है, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। तो उसमें 30 meter का स्पेन है, उसमें देखिए कि हम कैसे इसका BVS बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि BVS क्या है। जैसे आप इसमें देख लीजिए, ये हमारा है बॉटम फ्लैंज मेन रिंग मिड पोर्शन। ठीक है, अब ये कैसे पता कि ये हमारा बार मार्क है, तो आप अपना ड्राइंग ऑन कीजिए। ये हमारा ड्राइंग ऑन हो गया, ड्राइंग को सबसे नीचे लेके आइए, जैसे कि ये मैंने लेके आके रखा है। ये देखिए इसमें कौन कौन सा रिंग कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये देखिए आपका ये दे रखा है। ठीक है, शेड्यूल जो है रेनफोर्समेंट का, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें इसका मेन रोल है, ठीक है, जो हर ड्राइंग में आपको स्टील का रेनफो
प्लेसमेंट डिटेल कुछ ना कुछ ड्राइंग में किसी साइड में मेंशन जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ये देखिए हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए B1 मार्क, ठीक है। अब ये देखिए कि ये B1 हमारा है कहाँ, ठीक है। आप ये देखिए इसके कई सारे सेक्शन दिए हुए हैं, तो आप सिंपली फर्स्ट सेक्शन पे आ जाइए। देखिए DD है, F है। अब ये सेक्शन कटे कहाँ हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ये देखिए, मैं जूम आउट किया, अब ये देखिए, अब देखिए जैसे इसमें B1, अब B1 कहाँ लगा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। B1 इसमें देखिए कहाँ पे है, B2, BT3, B4 देख लीजिए। ये देखिए B1 हमारा बार यहाँ पे शो हो रहा है, ये सिर्फ हमारा मिड पॉइंट में ही है, ठीक है। ये देखिए ये बार शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ तक ये जो आएगा ये हमारा B1 है, ठीक है। अब हमारा स्पेन यहाँ 28 मीटर का है, ये गडर का, गडर हमारा 28 मीटर का है 30 मीटर स्पेन में। तो आप ये देख लिए कि आप यहाँ तक, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कुछ नहीं, सिंपली इसमें डायमेंशन दिए रखा है। कि मैं पहले ही बोल के रखा हूँ कि डायमेंशन का मेन ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पहले ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से 3300 यहाँ तक दे रखा है, 3300। ऐसे हमारा ये हाफ पोर्शन का हमारा ये ड्राइंग दे रखा है, तो ऐसे ये वहाँ भी जाएगा। अब ये देखिए B1 का जो हमारा शेप है ये पूरा लास्ट तक जा रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे कि अगर आप दोनों शेप में देखेंगे तो इसका हाफ पोर्शन दिया है ही है, जितनी बड़ी ड्राइंग रहेगी उसमें ऐसे ही दिया रहता है, ठीक है। तो आप ये B1 यहाँ तक दे लीजिए तो उसमें उधर से भी 3300 इधर भी 3300 मैनेज कर देंगे 28 मीटर में, तो आपका जो भी है वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, अब फिर अपना BBS खोल लीजिए। अब ये देखिए कि ये जो 200, 470, 179 और 660 कैसे आया, तो अब मैंने पहले ही बताया था कि अपना ऑटो आर्ट कैड ऑन कर लीजिए। और इसमें कुछ नहीं है, देखिए जो कवर मैंने अंदर का, ये बाहर का पोर्शन हो गया, और जो मैंने कवर ले रखा है ये ऑलरेडी देखिए हर एक का डायमेंशन मैंने शो करके रखा है। 470 mm है, यहाँ से यहाँ तक का ये 179 mm है, और यहाँ से यहाँ तक है ये जो 660 mm है, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो गया तो मेरे से ज़रूर इंक्वायरी कर लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका, अब ये पुट सारा चीज़ पुट अप कर लीजिए आप इसमें। देखिए 470, 179 और ये B1 हो गया। ये हमारा डाया 10 mm का है, इसमें 4 बैंड डिटेक्शन आ रहे हैं, 2D करके आएगा, ठीक है। अब 4 बैंड डिटेक्शन कैसे हुआ, 1, 2, 3 और 4, ये ठीक है। इस पर क्या होता है 1D होता है, तो इसमें नहीं 4 ही आएगा अपना बैंड डिटेक्शन। तो ये अपना कटिंग लेंथ आ गया, स्पेसिंग अपना 200 नंबर ऑफ कट लेंथ। अब ये कैसे पता चलेगा कि 108 आया, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 28 में आप, जैसे कि ये कैलकुलेटर में ऑन कर लेता हूँ, 28,000 - 37,000 - 66 = 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
डिवाइड 0.200 107। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था 107, एक एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं तो 108 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये आ जाइए B2। B2 हमारा 23 मीटर 200 कैसे आया, अब आप अपना ड्राइंग खोलिए।
देखिए जैसे कि मैंने ये ड्राइंग खोल लिया, अब इसमें देखिए बी टू कहाँ है। बी टू अपना ये है, ये देखिए ये बी टू है, ठीक है। अब बी टू कहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक, कहाँ तक, ये देखिए बी टू पूरा आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे भी ऐसे जाएगा, वहाँ इंड पोर्शन में भी ऐसे ही यहाँ तक रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं है। जैसे हमारा देखिए डायमेंशन 3300 दे रखा है, उसमें 900 और माइनस कर लीजिए, तो 900 माइनस आप करेंगे तो कितना बचेगा 3300 में, आप उसको फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप मैं बता रहा हूँ 3300 माइनस 900 आपका आ गया 24, 2400 में 24 दुना 48, अब 48 अगर आप 28 में 4800 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2300, समझ गए ना कैसे आएगा, ये देख लीजिए। जैसे कि ये देखिए 28 मीटर का कुछ नहीं, ये देखिए 28,000 माइनस 3300, 3300, ठीक है। और फिर एक माइनस 33, दोनों साइड का है 33 33, ठीक है। ये आ गया आपका 21,400, अब इसमें माइनस कर लीजिए, प्लस 900 और प्लस, क्योंकि मैं पूरा माइनस कर दिया हूँ उसमें 900 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 23 मीटर 200, ठीक है। तो ये आपका आ गया 23 मीटर 200। अब ऐसे सेम अपना B3 भी है, B3 हमारा क्या है 23 मीटर 200 नंबर ऑफ कट लेंथ। अब ये 6 पीस दे रखा है, कैसे दे रखा है ये भी आपका, ये देखिए इसमें ड्राइंग में मेंशन है, ठीक है। B2 ये, अब ये देखिए, ये देखिए पहले से इसमें मेंशन दे रखा है कि आपका कितना आएगा, ठीक है। अब B3 B4 आ जाइए आप, B3 B4 का सेप क्या है आप वो देख लीजिए पहले। B3 B4 वो भी शायद बाइंडर ही है, ये फोर्थ साइड में है, तो आप कुछ नहीं सिंपली इसको ऐसे ऊपर कीजिए ड्राइंग अपना, मेन चीज ड्राइंग ही पढ़ना आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए B3 और हमारा क्या था B4, ठीक है। ये देखिए हमारा B3 यहाँ पे दे रखा है, ये ऐसे सेम पोर्शन आएगा आपका, ये देखिए पूरा, ठीक है। ये देखिए पूरा B3 ऐसे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है सेम वो भी 23 मीटर 200 आएगा, ठीक है। अब B4 देख लीजिए कहाँ पे है, B4 मैं बता रहा हूँ, ये देखिए B4 ऊपर के लाइन में सबसे टॉप में है, जो अपना टॉप बेस है वो भी सेम ऐसे ही जाएगा, तो वो भी कटिंग लेंथ सबका सेम ही आएगा, ठीक है। कितने नंबर आप पीस हैं जो आपको ड्राइंग में ये पहले ही इसमें दे रखा है, ये देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आ जाइए V5, अब V5 हमारा कहाँ पे है, V5 सबसे मेन V5, ये देखिए V5 हमारा ये है, B5 भी हमारा वैसे ही है, यहाँ B2 B2 प्लस B5 भी हमारा पूरा कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए B5, ये भी पूरा हमारा है, ये देखिए B5 पूरा यहाँ इंड पोर्शन तक जा रहा है, तो वो भी हमारा कटिंग लेंथ दोनों साइड से उतना ही आएगा, ठीक है। ये देखिए B5 हो गया। अब आ जाइए B6 हमारा देखिए कहाँ पे है, ठीक है। तो
तो बी सिक्स मैं आपको बताता हूँ। बी सिक्स का पहले तो आप इसका ड्राइंग देख लीजिए, जैसे कि यह है ड्राइंग हमारा, मेन चीज़ ड्राइंग ही है। बी सिक्स का शेप ये है। अब बी सिक्स हमारा लगा कहाँ है, ये देखिए मिड में है कि कहाँ है, ये देखिए बी सिक्स, ये देखिए बी सिक्स हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, जो अंदर का हमारा स्ट्रप बना हुआ है या रिंग आप बोल सकते हैं, तो ये हमारा अंदर का बी सिक्स पोर्शन है, ठीक है। अब ये आप कैसे बनाएंगे, ये आप अपना ऑटो कैड ऑन कर लीजिए, ये देखिए ये हमारा बी सिक्स पोर्शन है, ये और ये और ये, ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये देख लीजिए मैंने पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए जैसे मैंने ये शेप बना लिया, अब इसका डायमेंशन तो आप इजीली निकाल सकते हैं, 360 mm ये हमारा यहाँ का पोर्शन है पूरे का। अब इसमें के बीच का हमारा आएगा 45 mm, अगर यहाँ से यहाँ निकालेंगे ये 209 mm, यहाँ से यहाँ का बीच का आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वही चीज़ हमारा एक्सेल में मैंने मेंशन करके रखा है जो मैं आपसे बोला हूँ, ठीक है। ये देखिए 45 45, 178 170, ठीक है। अब जैसे कि ये आप देख लिए बेसिक्स, अब बेसिक्स इतना है इतना, ये भी 200 mm के हिसाब से, अब 142 पीस, अब 142 कैसे आया, इसमें 200 की स्पेसिंग दे रखी है। अब ये बी सिक्स कहाँ तक जाएगा, बी सिक्स कहाँ तक जाएगा, ये आप ड्राइंग में देखिए, ड्राइंग ही मेन है। मैं फिर हमेशा एक ही बात कहूँगा कि ड्राइंग ही आप देखिए, ठीक है। बी सिक्स हमारा कहाँ है, ये देखिए नीचे, ये देखिए बी सिक्स, ठीक है, दिखा आपको, मैं दिखा रहा हूँ, ये है बी सिक्स। अब बी सिक्स कहाँ से, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, ये देखिए, समझ गए ना आप, यहाँ से लेके ये देखिए पूरा ये बी सिक्स जाएगा, ठीक है, जो टॉप लेयर में पड़ेगा हमारा बी सिक्स, ठीक है। तो ये हमारा कवर छोड़ के पूरा का पूरा आ जाएगा अपना 200 142 पीस, ठीक है। अब इसी तरह आप आ जाइए बॉटम फ्लेंज एंड टाइम में। अब एंड टाइम में हमारा बी सेवन, जो हमारा सेम कटिंग लेंथ वही रहेगा जो मैं आपको पहले बताया था, ये चीज़ ये है, ये 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 पोर्शन है, ठीक है। अब ये हमारा बी सेवन जा कहाँ रहा है, जाने का मैं बता रहा हूँ, ये देखिए सिर्फ बी सेवन यहाँ से लेके यहाँ तक ही पड़ेगा। जो हमारा क्या डिस्टेंस है मैं बता देता हूँ, जो हमारा डिस्टेंस है बी सेवन का लेकर सिर्फ 3300 यहाँ तक पड़ेगा, ठीक है। ऐसे दोनों साइड में पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हाफ पोर्शन का ही ड्राइंग दिया रहेगा, गटर का कोई भी आप फिर से चेक कर लेंगे किसी भी ड्राइंग में, तो ये ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है। फिर आपको मैं दूसरा बताता हूँ, दूसरा कौन सा आएगा, 9 नंबर B8 और B8A, तो B8 ये देखे B8 और B8A, ये भी दोनों हमारा कहाँ तक रहेगा, बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, ठीक है, दोनों बार हमारा यहीं तक ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए आप दूसरे बार पे, अब दूसरा बार हमारा कौन सा है, B8 हो गया, B9 हमारा 275 इसका एल है, 16 mm का है ये हमारा B9 और B10, ये देखिए B9 हमारा कहाँ तक जा रहा है, पूरा यहाँ से लेके, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है B9, ये B9 पूरे लास्ट तक जा रहा है, ठीक है।
आप समझ गए ना, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक B9 आपका जा रहा है और ये B3 का ही पूरा अब जा रहा है, ठीक है। अब आप आ जाइए B9 और इसके बाद क्या होता है, ये भी 3300 का ही आएगा कटिंग लेंथ, B9 B10 B10 B10, ये देखिए ईच बोथ साइड लिखा है, ठीक है। जो इसमें है इंट है वैसे ही इसमें मेंशन कर रखा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही हो जाएगा। अब B10 आ जाइए, B10 हमारा कहाँ पे है, और उसका हर एक सेक्शन का इसमें दे रखा है, जैसे इसमें कुछ ही नहीं है, मिड पॉइंट का है, ये किनारे का है, एक लास्ट का है, तो ये सारा चीज़ ये दे रखा है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। B10 ये देखिए यहाँ ऊपर टॉप पोर्शन में है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास B11, S1, S2, S2, S3, S3 है और S4, ये सारे हमारे गटर के जो मिडिल रिंग है वही सारे बचे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जैसे कि हमारे पास S1, S2, S3 और S4 एंड S5। अब ये देखिए ये सारे अलग अलग सेक्शन में पड़े हुए हैं, ये आप टॉप में आ जाइए, देखिए जैसे S4 S3 S2 एंड S1। अब इसका सेप क्या है, सेप के लिए आपको नीचे ही आना पड़ेगा, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। सेप इसमें कुछ नहीं है, सबका सेम सेप है, ये देखिए P11 हमारा ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, बाकी S3 S4 S2 ये सारे हमारा ऊपर से लेके ये यहाँ तक, सबसे बॉटम तक, ये यहाँ से लेके ये ऊपर तक, ठीक है। ये अपना S3 और ये सिमिलर ही सारे हैं, ठीक है। तो इसका कैसे हम भी वो बनाएंगे डायमेंशन, इसके लिए ऑटो कैड आप देख ही लिए, ये यहाँ से लेके ये ऊपर, ठीक है, ये पूरा ये यहाँ तक, ये जैसे कि मैंने बना कर रखा है और B11 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप इसमें मेंशन कर लीजिए, बाकी बचा M1 S1 टेम्प्रोरी सपोर्टिंग टू लेयर, ये कहाँ पे है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस ड्राइविंग में मेंशन है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सीधा हमारे जीमेल पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।